नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, वैज्ञानिक भी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से प्रदेश के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रदेश में मौसम की जानकारी को हासिल करते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में वेस्ट एमपी में सबसे अधिक तापमान 40.0 ग्वालियर में दर्ज किया गया और ईस्ट एमपी में सबसे अधिक तापमान पृथ्वीपुर में 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रेनफॉल की बात करेंगे तो वेस्ट एमपी के अंदर जो है वो चार स्टेशन के अंदर जो है हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया है और सबसे अधिक रेनफॉल बारवानी में 84.6 mm को दर्ज किया गया है। इसी तरह से ईस्ट एमपी के अंदर कोई भी हैवी रेनफॉल स्टेशन जो है वो दर्ज नहीं हुआ है और सबसे अधिक रेनफॉल छतरपुर में 38.0 mm रेनफॉल दर्ज हुआ है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे तो आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने जो वेस्ट एमपी के अधिकांश जिलों को जो है वो कवर कर लिया है और आगे बढ़ते हुए इसने छबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगार, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा और मकाऊगंज के अधिकांश जिलों के अंदर आज इसका प्रवेश हो चुका है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं तो चंबल घाटी के कुछ जिले जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर के कुछ पार्ट और एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट जो हमारा जो क्षेत्र है जैसे सिद्धि और सिंगरौली के कुछ भागों को छोड़कर मानसून ने ऑलमोस्ट पूरे एमपी को जो है वो आज कवर कर लिया है। सिनॉप्टिक सिचुएशन की बात करेंगे तो साउथ गुजरात के ऊपर जो है 1.5 किलोमीटर के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इससे एक तरफ मध्य प्रदेश के ऊपर से जाता हुआ जो है वो यूपी की ओर अग्रसर है। उसी तरह से एक और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर आज 0.9 किलोमीटर के ऊपर जो है वो आज बना हुआ है और ईस्ट वेस्ट तरफ इसी सर्कुलेशन से होता हुआ मध्य प्रदेश और ईस्ट मध्य प्रदेश के भागों से गुजरता हुआ बांग्लादेश की ओर अग्रसर है। इसके होते हुए आप देख रहे हैं कि अधिकांश मानसून मध्य प्रदेश के भागों में इस टाइम जो है वो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और रेनफॉल की गतिविधि जो है वो इस टाइम जारी है और आगे आने वाले दिनों के अंदर के मौसम के बारे में ये जारी रहने की उम्मीद है। आइए इसका एक विश्लेषण करते हैं। तो आज 25 तारीख के बारे में हम मौसम का विशेष देखें तो कुछ साउथ वेस्ट जिलों के अंदर जो है वो कुछ स्थानों के अंदर जो है वो वर्षा को दर्ज किया जाएगा और बाकी जिलों के अंदर जो है जहाँ लाइट ग्रीन कलर दिया गया है वहाँ पृथक स्टेशन के ऊपर जो है वो दशा को दर्ज किया जाएगा। हैवी रेनफॉल की बात करें तो एक्सट्रीम वेस्ट के अंदर रतलाम, छबुआ, अलीगंज, धार और इंदौर में हैवी रेनफॉल होने की आज उम्मीद है, अर्थात विंड जो है उससे रेनफॉल जो है वो 64.5 mm से ऊपर मानी जाएगी। साथ ही थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड जिलों के अनेक जिलों के अंदर जो है वो 30-40 किलोमीटर होने की आज उम्मीद है। 26 तारीख की बात करेंगे तो वर्षा की गतिविधि में थोड़ा सा जो है वो बढ़ोतरी होगी, खासकर जो हमारे ईस्ट एमपी के रीजन हैं जैसे कि उमरिया, शाहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के अंदर अनेक जिलों में वर्षा को दर्ज किया जाएगा और साथ ही नीमच और मंदसौर, गुना जैसे जिलों के अंदर भी अनेक स्थानों पर वर्षा होगी और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड जो है वो 30-40 किलोमीटर अधिकांश एमपी के जिलों में चलेंगी और हैवी रेनफॉल जो है आप देख रहे हैं कि उमरिया, शाहडोल, डिंडोरी, मंडला ऐसे जिलों में अर्थात एक्सट्रीम जो ईस्ट के जो जिले हैं उनके अंदर दर्ज होने की उम्मीद है। 27 तारीख के बारे में बात करेंगे तो वर्षा की गतिविधि में जो है वो और बढ़ोतरी को जो है वो देखा जाएगा और शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, दमोह, छतरपुर, पन्ना जैसे जिलों के अंदर अधिकांश जिलों के अंदर जो है वो वर्षा को जो है वो देखा जाएगा और बाकी जिलों में राजगढ़, भोपाल, सीहोर के अंदर कुछ स्थानों के अंदर जो है वो वर्षा को देखा जाएगा। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और रेनिंग की बात करेंगे तो 30-40 किलोमीटर के साथ वो अधिकांश जिलों में होने की उम्मीद है और हैवी रेनफॉल जो है वो एटलीस्ट पूरे सेंट्रल जो हमारा जो मध्य प्रदेश के जिले हैं जैसे कि शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह के अंदर हैवी रेनफॉल की होने की उम्मीद 27 तारीख को बनी रहेगी। अगर 28 तारीख की बात करें तो वर्षा कम जो है वो जारी रहेगा और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड भी 30-40 किलोमीटर अनेक जिलों में होने की संभावना है। साथ ही हैवी रेनफॉल ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, पटना, सतना, रेवा अर्थात ईस्ट के जो जिले हैं और जो एक्सट्रीम नॉर्थ के जो जिले हैं उनके अंदर होने की संभावना बनी हुई है 28 तारीख को। 29 तारीख को भी वर्षा का दौर जो है वो जारी रहेगा और एक्सट्रीम जो नॉर्थ हमारे जो जिले हैं जैसे कि मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और शिवपुरी, सागर जैसे जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा को दर्ज होने की उम्मीद है और साथ ही हैवी रेनफॉल भी इन जिलों के अंदर मुरैना, भिंड के अंदर, शिवपुरी, शिवपुर के अंदर हैवी रेनफॉल होने की उम्मीद दर्ज की जा रही है। तो आज जैसे कि मानसून के अंदर जो है एमपी के अंदर वर्षा जो बढ़ोतरी हुई है तो इन सब के घटनाक्रम को देखते हुए हम ये मान के चल रहे हैं कि आगे आने वाले 2-3 दिनों के अंदर मानसून के अंदर और बढ़ोतरी होगी और अधिकांश बाकी जिलों के अंदर भी जो है वो मानसून की एंट्री संभव हो सकती है। धन्यवाद।